ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। सो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के ये व्यू को सिंक इन करूंगी। बिरयानी खा रही हूँ मैं, बाहर आके बिरयानी खा के बहुत मजा आता है। नहीं मैं सीरियस हूँ बाबू, दसो दसो की क्या अंदर ही तुम। तू कैमरा ऑफ कर, तू हमें पा रही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑलरेडी रेडी हूँ मैं। मैं एक वर्गो हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज रहना पसंद करती हूँ। अगर मुझे कहीं पे जाना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है पैकिंग का। सो मैंने क्या किया था, कल अचानक से प्लान बना था रात को, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। आज मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख ली थी, सारी टॉयलेटरी, सारा मेकअप, जो जो कपड़े हम तीनों पहनने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही कपड़े हिम्मत के लिए, तो उनको मैंने सुबह पैक कर लिया है जाने के लिए। और उसके बाद मैंने सारी वो चीज़ें जो मुझे ट्रिप में चाहिए होंगी, अगर मैं कुछ कुक करना चाहूँगी या कुक कर, जो मैंने कुक किया है फूड, उसको सर्व करने के लिए चीज़ें, फ्रूट्स, सारा कुछ मैंने रात को ही ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप चीज़ें रात को ऑर्गेनाइज़ कर लें उतना ही अच्छा है, ताकि सुबह आपको कम काम करना पड़े। ऑलराइट दोस्तों, तो हम घर से निकल चुके हैं, हमें निकलना था 10 बजे या 10:30, 11 बज चुके हैं, लाइक आधा घंटा लेट है। वो क्यों है, पति की वजह से, क्योंकि पति ना बहुत स्लो काम करते हैं। पति ने काम करना होता है कि ना आके तैयार होना, पैकिंग, ऑर्गेनाइजिंग चीजें सब कुछ मैं करती हूँ, पर पति फिर भी लेट हो जाते हैं। सो लेट होने का रीजन पति है। रास्ते में जाते हुए हमें मिला बहुत ही बुरा ट्रैफिक जाम। हम सोच रहे थे कि चक्कर क्या है, वहाँ पे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ थी, एम्बुलेंस थी, फायर ब्रिगेड गाड़ी थी। तो जब हमने देखा वहाँ पे एक गाड़ी को आग लग चुकी थी, एक्चुअली एक ट्रक को। तो देखिए आप, ये ट्रक कितनी बुरी तरह जल चुका है मैन, कितना स्केरी है राइट। ट्रक का तो नामो निशान ही मिट गया कि ये ट्रक भी हुआ करता था, तो स्वाह हो गया दोस्तों। So, हिम्मत जाने वाला है वॉशरूम, हस्बैंड फिल कराएंगे फ्यूल गाड़ी में, तब तक मैं और हिम्मत जाते हैं। क्यूट कॉफी पिक्चर, माय अगलीस्ट पिक्चर ऑन दैट, इज इट अगली हिम्मत? तो हम लोग पहुंच गए बैरी, और हमारे जितने भी ग्रुप है वो दोनों लोग हमें मिल गए हैं। यहाँ पे ये ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी है क्योंकि मैं कल बारबेक्यू पे चिकन बना के रैप बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे नान चाहिए, जो हमने हमारे पास वाले ग्रॉसरी स्टोर से लिए नहीं है, तो वो लोग कर रहे हैं बातचीत वहाँ पे। एंड मैं क्विकली जा रही हूँ स्टोर में एंड अपने लिए नान पिक करूँगी। ओके दोस्तों, तो मुझे वहाँ से नान मिल गया जो मुझे नान चाहिए थे, एंड अब हम यहाँ से रवाना होंगे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। अब दोनों बंदों को डायरेक्शन मिल चुकी है, हिम्मत को भूख लग गई है, तो हम जल्दी से मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू करेंगे। उसके लिए मीनू को खनी लगी। एक्चुअली मुझे लगता है मैंने आपको बताया नहीं, मैंने ना कॉफी पी ली थी एंड बेगल खा लिया था हम दोनों ने हाफ हाफ, सो वी आर हैप्पी। हाय गाइस, वेयर आर यू गोइंग डैडी? आई डोंट नो, आई एम जस्ट फॉलोइंग समबडी। ओके गाइस, हस्बैंड वेटिंग फॉर स्पाइसी नगेट्स क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि फ्रेश बना के दो, और उन्होंने हस्बैंड को अगली खिड़की में खड़ा कर दिया है, कहते फिर फ्रेश ही ला दूँ। अरे अभी तल के देंगे, अभी तल के, अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ।
ओके दोस्तों, समय काफी ज्यादा हो गया है, मैं सो रही हूँ थोड़ा ना, लक सीधा कर रही हूँ एंड समय हो गया 3:50। हमने कितनी सारी ब्रेक्स ले ली, वैसे तो हमें 2.5 घंटे लगने ही है ना बहू, मे भी शायद थोड़े कट, पर 15 ब्रेक का ली हमने खाने की पीने की दिस ब्ला ब्ला ब्ला, हम लेट हो गए। मैं बिरयानी बना के लाई हूँ, आपने कल वाले व्लॉग में देख लिया होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इस तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और पेड़ों में घिरी हुई हमारी पैरी सी कॉटेज है और उसके बिल्कुल सामने लेक है, और आज लेक में बोटिंग भी हो रही है पर कल से बंद हो जाएगी क्योंकि सीज़न, ठंडा सीज़न शुरू होने वाला है एंड ठंड से पहले वो बंद कर देते हैं। सो आज लास्ट दिन है एंड अभी भी थोड़ा सनी है एंड हमारे पास समय भी है, तो हम बोटिंग करने के लिए जाने वाले हैं। जल्दी से हमने सारा सामान हमारी कॉटेज में एडजस्ट कर लिया है। जो हमारी कॉटेजेस हैं इतनी खूबसूरत नहीं है, टाइम पास किस्म की हैं, पर आउटडोर वाला बड़ा अच्छा है। सो हम ज़्यादातर समय स्पेंड करने वाले हैं आउटडोर्स में और अंदर सोने के लिए ही जाएंगे। हमारे पास दो कॉटेजेस हैं, एक है 3 रूम वाली, एक है 2 बेडरूम वाली, और हम 3 फैमिलीज़ हैं एंड मैं आपको उनके साथ मिलाती हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो कॉटेज वाले हैं ये आपको वो भी करवाते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, इनके पास सारा कुछ अवेलेबल है। Gathered by the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me. When tides came, did not flee. The east spoke the same, had the same dreams, same pain and same feelings. Staring at the sea and what was left of me. Guys, I don't know if this is abandoned. No, no, no. Guys, we went in this house, like I sat down there, and I just came up. So now I'm going to do swimming here. I'm going to be really inside it and also boring. So boating. Alright, दोस्तों, तो ये प्यारे से destination पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे lake है और यहाँ पे ये deck बना है जहाँ पे आप बैठ के enjoy कर सकते हैं। प्यारा and sunny, मिठी तोप है। हवा जब चलती है थोड़ी ठंडी है, पर सितंबर के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है। सो सारे लोग अनपैक कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे जो दोस्त हैं, एक हमारा जो फैमिली फ्रेंड्स है वो सेंट कैथरीन से आए हैं और उन्होंने हमसे भी ज़्यादा ट्रैवल किया है, वो थोड़ा थक गए और उनके पास छोटे बच्चे भी हैं तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे वो, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोटिंग करेंगे, देन हम खाएंगे चिकन बिरयानी जो मैं बना के लाई हूँ और सबके रिव्यूज़ लूँगी मैं आपके सामने। सो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के ये व्यू को सिंक इन करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत पीसफुल, दौड़पद से दूर। वैसे जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमारा घर है जहाँ पे, वहाँ पे भी ऐसी लोकेशन नहीं है, पर ऐसी लेक नहीं है, पर रहते हम पेड़ों के बीच में ही है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो मैनी जो हमारे ये गेस्ट है ना, इसके शब्द मुक गए हैं पानी को देख के। मैं तृप्त हो गया हूँ, तृप्त तृप्त हो गए एंड मंत्र मुग्ध हो गए हैं। या किना किना पीसफुल आ लेक। सो या हुन तोड़े की प्लान है, व्हाट यू गोना डू? वी गोना गो एंड गेट द बूज। बस तोड़े प्लान दे भाई, नंबर 1 नहीं है। और सारे कोकोनट्स हैं हमारे पास एंजॉय करने के लिए। बड़ा मजा आया सी मेनू पी के ना। कब की बात है? ये शायद आप सामने थे, दैट इज द रीजन। सो यहाँ से आप लाइफ जैकेट लेके पहने एंड नीचे जाके बोट। I don't feel
सो हिमन ने काफी ज्यादा मजा कर लिया है पानी में और अब इसे बहुत ठंड लगनी शुरू हो गई क्योंकि धूप जा चुकी है एंड शाम हो गई है और यहाँ पे हवा भी थोड़ी ठंडी चल रही है और आज मुझे लग रहा है 16 या 17 डिग्री। तो हस्बैंड ने इतना ज़्यादा समय लगा दिया कनू करने में और अब हमारी बारी नहीं आएगी, अब हम जाएंगे कल और हिम्मत को लग रही है भूख। सो ये बीच वाला एरिया है, यहाँ पे आप समय स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। हिम्मत ने एंड अदर किड्स ने यहाँ पे बहुत सारा प्ले किया और उसके बाद कनू करने के लिए चले गए हस्बैंड एंड मैंने भी थोड़ा किया है पर What you guys playing? Wow! सो गेम प्ले कर रहे थे ये और नन्ना से एक्सीडेंट हो गया और गेम में चल रही है ब्रेक, दो प्लेयर्स ऑन ब्रेक। I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. Yeah, I'm sick of all my fake friends, and I'm sick of tying up loose ends. That's it, sir? Mm-hmm. तो गेम्स प्ले करके बोटिंग करके दो मुसाफिर वापस जा रहे घर की तरफ। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे गेमिंग रूम है, बोटिंग एरिया है, एवरीथिंग। सो ये है हमारा रहने वाला प्लेस, टॉल पाइन्स है इसका नाम। सो ये तो वॉक करके जाएंगे एंड देयर कॉटेजेस हैं क्यूट सी एंड दिस लिटिल किड इज रनिंग फ्रॉम नोवेयर। सो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों का खेलने एरिया, आई थिंक वो दूसरी family. Now I feel good that I wrote some, so let me quote some. Yeah, I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. ओके सो क्विकली मैं ना टूर कर देती हूँ छोटा सा। वैसे तो अड्डा कोई खास बड़ा नहीं है, ये मैं आपको बताना थोड़ा पुराना सा है बट या यही है जो है। ये है छोटा सा लिविंग रूम, इससे भी आप ना बेड बना सकते हैं, दो बंदे सो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग टेबल है, छोटी सी किचन, आप कुक भी कर सकते हैं जो भी कुक करना चाहें, और ये फ्रिज है एंड एवरीथिंग। और ये सारा आइटम्स हम लेके आए हैं, वाटरमेलन एक्चुअली अदर फैमिली वाटरमेलन लेके आई है, पीचेज़, ओ माय गॉड मुझे पीचेज़ बहुत पसंद है, ग्रेप्स हैं और ये सारा फ्रूट ना। ये मैं रैप बनाने के लिए नान लेके आई हूँ, ये बनाना है और ये हम शीख कबाब बनाएंगे। और ये मेरी टोकरियाँ हैं, सारा फूड आइटम कुक करने के लिए, अगर पुलाव शुलाव कुछ बनाना हो सारा कुछ इसमें है। एंड जो मैं फूड कुक करके लेके आई हूँ मैंने फ्रिज में ऑलरेडी रख दिया है। सो ये सबसे बड़े वाले में चिकन बिरयानी है, ये चिकन टिक्का मैं मैरिनेट करके लेके आई हूँ। मैंने सैलड भी बनाया कहीं पर पड़ा होगा, पता नहीं कितने पे तो वहाँ पीछे। और इसमें वाटरमेलन है एंड खूब सारे नारियल भी लेके आए हैं वो ठंडे ठंडे पीने के लिए। सो दैट्स दैट। Yes, what? I want to be with you. Okay. एक रूम ये है और एक ये है और हमारी जो दूसरी कॉटेज है उसमें भी तीन रूम है, तो या इसी को शेयर करेंगे हम। सो हमारे लिए बन रही है प्यारी सी चाय, थैंक यू सो मच। एंड मैं बाहर देख के आती हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। आइस क्यूब्स थैंक यू एंड एक नैपकिन दे दो सानू बाहर ले। नहीं ओ पेपर टॉवल, हां टूटी कहीं चल रही है। हां पेपर टॉवल ओके, वो रोल जेड़ा छोटा है। ओके सो कबाब तैयार हो रहे हैं, कबाब ते हिल गए कबाब भी हेलो बोलने लगे। सो ये बंदा अपनी ड्रिंक स्टेशन रेडी करता रहता 24 घंटे और कोई काम नहीं। ये थोड़ा इधरो इधर है ना, अपना हीट ज्यादा करिए हम। हां नहीं लेकिन चीज है वो ना, ए तो लेवल ना इस पास आएगा। हां टेढ़ा टेढ़ा आएगा। चलो बाकी किथे गए।
सो बहुत अच्छे कबाब बन रहे हैं इनकी ना ये रेसिपी हमें बहुत पसंद है बहुत डिलीशियस कबाब बनाते हैं और हस्बैंड अपने उल्टे पुल्टे हाथ लगा के दसना चाहते कि मैं आ असली शेफ मैं बनाऊंगा पैग जो मेनू आंदा ओके सो इन माय हाउस बिरयानी तू झूठ नहीं बोल सकता Didn't trust it yet. You I'll just say water. It's good, that's it. I didn't trust the guys button. 3, 2, 1. One. I'll take a bite. What is it? एक्टिंग देखी कहना मैं क्या की तेरी बिरयानी बहुत बढ़िया एक्टिंग उद गुड की थी कहना मैं वेरी गुड बिरयानी आई विल से नो शी इज फनी नाउ व्हाट यू विल ईट एंड यू से खरीदे हुए गवा एक्सीलेंट थैंक यू तुझे कितने निकली आ जाओ इधर अपने कबाब शो ऑफ करी आने से अरे ना बंदा भी मर जाता है औरत के वजह तां भी मर जाता है जे खाए तो तां भी बंदा मर जाता है चलो इस वाले सिर्फ असी फॉर गुड पर्पसेस वास्ते इनु यूज कर रहे हैं ते असी सिर्फ चिकन कबाब बना रहे हैं स्वाद ना मार दे गए इनु ओके सो बिरयानी खा रही हूँ मैं बाहर आके बिरयानी खा के बहुत मज़ा आता है एंड मेरे ख्याल ना बिरयानी मेरी अच्छी लगी है दोस्तों मित्रों उनकी आवाज़ बताते हैं दसो बिरयानी बढ़िया लगी बहुत अच्छी तू ही भी अदर गाय बन जो बहुत मुर्गी देसी है ऑर्गेनिक इसको ना कुक करने में भी टाइम लगा उसमें बिरयानी जल्दी बन जाती इसकी वजह से थोड़ा और लंबा हो गया ये कह रहे कि इतना समय ला रही हो तुम बिरयानी बनाने में नहीं मैं एक दिन ना उतो लेके आया थी अपना एयरपोर्ट रोड पे उन्होंने मैंने मैं क्या पाजी मुर्गी का स्वाद ये कहते जी आ जाएगा कल ही ना जल्दी नहीं पी कल ज्यादा टाइम लगा ये लो दूसरा चिकन तो 15-20 मिनट से गल जाता लेस देन दैट मेरे यॉर्क वैली फॉर्म दे आई थिंक नमक पा लो नहीं तो घट जाता गर्म किया 3-4 बैचेस छोटा जा माइक्रोवेव फिर मैंने गैस को भी ऑन कर दिया था ना दारू पी के करमा तुम्हें ये सोच दी मैं ड्रंक था नहीं 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 ड्रंक तो नहीं आज तो वीडियो बनानी है नहीं वो बोलो बोलो जेडियां गल्ला करदे सीगे आपा नंबर नंबरोलॉजी दे करके ओके ओके मैं तेरे ढिड च खवा देनी प्यारी कैमरे दे अगे शर्मा मत हुन बोल बहुत दसो वधिया दसन ने तुही मेरा कर्मा कहंदा कि आई नीड टू मैरी अगेन टू अ गोरी ओह माय गॉड दैट्स अ वेरी रॉन्ग कर्मा अगर तू मुझे सीरियसली नहीं ले रही तो व्हाट शुड आई से नहीं इज वेरी सीरियस नहीं मैं सीरियस हां बाबू दसो दसो की कहंदे ही तुई तू कैमरा ऑफ कर तू एवें पा रही तो बोनफायर शुरू करने वाले हैं मेरे अराउंड बैग के हस्बैंड ने ओ करना अपनी इंदाक्षी कहंदे मैं बताऊंगा सबको कि कैदा किदा गाईगा बहुत तो ही ना ठंडा ही खाई जाने माल पत्ता सारे तो लोका ने डन कर लिया ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪ ਅਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇਂ ਜਾ ਫਾਇਰ ਬਰਨ ਇਸ ਦੈਟ ਬਰਨ ओके आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रही हूँ पीछे बोन फायर चला ली गई है
और वहाँ पे बैठ के मैं आग सेकने वाली हूँ। पर उससे पहले मुझे एक आइडिया आया है, मैं लेके आई हूँ वो बॉस का स्पीकर सा, तो बाहर यहाँ पे बैठ के ना पंजाबी गाने लाते हैं तो आराम ना मज़ा लेते हैं। वैसे अंधेरा हो गया, हमने पेट पूजा कर ली है। अहमद कह रहा था कि अब मैंने खा लिया, उसके बाद डिनर में मैं थोड़ा सा खाऊंगा। और मैं क्या प्रा, ये डिनर है, तो ही दोनों को नहीं जाने, को नहीं जाने। ओके, तो बाहर सारे दोस्त कर रहे हैं मजा, एंड मैंने काफी 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 ज्यादा समय स्पेंड किया बाहर। बाहर बोनफायर के पास बैठ के इतना मजेदार लग रहा है, अब पूरी लोडी वाली फीलिंग आ रही है। और हस्बैंड ने ना एक तिल वाला स्नैक लेके आया, उन्होंने खा के गच्चक भर की फीलिंग भी आ गई। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने जरूर से मेरी वो स्टोरीज देख ली होंगी। पता नहीं ये व्लॉग कब अपलोड करूंगी, कोशिश करूंगी कि जल्दी कर दूं, वो मैं हमेशा करती हूँ। और मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ अंदर जाके एंड टीवी देखती हूँ। सो वही करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर बाहर जाएंगे हम। तो मैं थोड़ी देर करने वाली हूँ आराम एंड उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी या शायद नहीं जाऊंगी, मुझे पता नहीं है। मेरी ना कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है एंड बाहर थोड़ी ठंड भी बढ़ रही है एंड मैं थक गई हूँ। ओके बाय। ओके, हस्बैंड ने कहा है कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो, उनका फोन बाद में चार्ज करेंगे, पहले मेरा करेंगे। Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a question, it can wait another day. Don't feel like it's all in vain. I try to remember. ओके दोस्तों, तो दिन हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है एंड आज के दिन का एंड हम यहीं पे करते हैं। कपड़े चेंज कर लिए मैंने और मैंने ये बेड को, दो डिफरेंट बेड थे सिंगल बेड, उनको ज्वाइन करके एक डबल बेड बना लिया। देयर वाज लाइक वन एंड वी पुट इट टुगेदर मेक्स डबल बेड। और मैं अपने पिलोज घर से लेके आई हूँ सारे, मेरा, हिम्मत का एंड हस्बैंड का, और मेरी बेडशीट भी अच्छी वॉश करके। सो ऐसे फील हो कि आप घर पे ही हैं, क्योंकि बाहर आके मुझे नींद नहीं आती है। वैसे भी ना दूसरे बेड पे मुझे ऐसे लगता रहता है कि कुछ लगता रहता है, मुझे ऐसा लगता रहता है। पर इस बेड पे अब ऐसे फील हो रहा है कि घर का ही बेड है एंड यस, सोने के लिए रेडी है। मैं जल्दी से जाके स्किन केयर करूँगी क्विकली एंड देन नीनी करने के लिए जाने वाली हूँ। मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट। बंद तो नहीं हो गया? आ जाओ नीनी, करिए ऑफ करिया, ऑफ करिया द रेड बटन।